सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, इस गेम प्ले की बात करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, ये गेम प्ले ना बहुत ही अच्छा है, तो देखते जाओ पूरा, क्योंकि इस गेम प्ले में अपन ने किया है ओनली एयर ड्रॉप गन चैलेंज। तो गाइस, देखते हैं इस गेम में बोया हो पाएगा कि नहीं। अगर हुआ तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलते हैं आगे। तो गाइस, वैसे तो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई मेरे पास है हायाबुसा कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत तेज चलती है। और पीछे थी भाई लैम्बोर्गिनी, जो कि इससे भी तेज चलती है। तो गाइस, यहाँ पर होने वाला था बहुत ही हाई लेवल रेसिंग, मतलब कह सकते हो आप। पर देखो यार, उससे कितना खतरनाक बचा हूँ मैं। तो भाई वो मुझे ठोक देता ना तो मुझे फिनिश कर देता, क्योंकि उस पर गन थी और मे पर तो भैया कुछ भी नहीं था। तो मे को मैं लैम्बोर्गिनी मिली और मैं सीधे यहाँ से भाग लिया, क्योंकि वो उतर के मुझे फायर करने लग गया यार। तो इस सिचुएशन में भागना बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ओनली एयर ड्रॉप चैलेंज कर रहे हैं तो कुछ ले तो सकते नहीं हैं। तो भाई यहाँ पर देखो कितना खतरनाक सीन हुआ भाई, उसको मैंने चैन से लूट नहीं दिया। भाई सोच रहा होगा कि भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है, भाई ये क्या कर रहा है, इसने मुझे मार दिया भाई। तो भाई उसको मार के इमोट विमोट्स दिखाए, सस्ते से इमोट थे पर कुछ नहीं भाई, अच्छे थे इमोट। तो भाई पहला ड्रॉप मैंने देखा और मैं इस साइड आया। तो भाई आखिरकार पहला ड्रॉप गिर चुका था और उसको अपन लूटने जाएंगे। तो गाइस, देखते हैं पहले ड्रॉप से अपन को क्या मिलेगा। ओ भाई, ड्रैगन ऑफ थी विद क्रॉसबो। तो गाइस इसको तो अच्छे से लूट लिया, और शायद मुझे यहाँ पर कोई दिखा था एक्चुअली में, पता नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो मैं बचा हूँ ना, वो मैं ही बच सकता हूँ और कोई नहीं बच सकता यार। भाई ये मुझे ख़त्म क्यों नहीं कर पाया, इसने गन चेंज करी और M1014 चलाने लग गया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया, भाग गए यार। मैं गाइस एक और ड्रॉप की तलाश में यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर जो ड्रॉप गिरा ना, वो मतलब अच्छा ड्रॉप था मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस ड्रॉप से जो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई, मतलब लेवल 4 की वेस्ट तो मुझे पहले से ही मिल गई थी, और इससे वापस से ड्रैगन मिल गई। तो मैंने पहले एमो उठा ली, और मैंने मेरा ड्रॉप सुमन एंड ड्रॉप बुला के ग्रोज़र ले ली, और देन मैं इस साइड आया तो यहाँ पर थे बंदे। अब उनको देखो कितना गंदा मारा। तो गाइस जहाँ पर मुझे मिला पहला बंदा, मुझे जिससे ड्रॉप से मुझे मारना था, तो पहले दो बुलेट छूट गए, बट ये जो बुलेट थी ना, ये ओपी वाली बुलेट थी, जहाँ पे सीधे हेड लगा ड्रैगन का, और 188 का डैमेज जाके उसको ख़त्म ही फिनिश कर दिया। देन उसको मैं लूटने जा ही रहा था, मतलब लूटने नहीं था ना, उसको लूटना नहीं था, मैं उसके पास, लेकिन कोई ना हेड पड़ा ना,
87 का हेड पड़ा ग्रोजा का और उसका भी गेम फिनिश कर दी थी। यहाँ पर 3 किल हो चुके थे, 2 ड्रॉप से किल मिले थे और 1 तो गाड़ी से ही ठोक दिया था। देन आगे चलते हैं, देन यहाँ पर गाइज यहाँ पर अलग ही सीन हुआ। जैसे ही मैं इस घर में गया जूम तो मतलब पहले तो इसको पहले डैमेज दिया मैंने, ये भाग गया। अब भाई यार बुलेट्स मिस हो गई बहुत ज़्यादा और बुलेट्स बची भी नहीं थी, फिर भी इतनी सी कम गोली में मैंने कितने मारे देखते जाओ आगे। और गाइज मैं जैसे ही इस घर के ऊपर गया जोन ही हट गया भाई, अब ये अलग सिचुएशन आ गई। और सामने बंदा था उसको मैं पहले लेता तो ड्रैगन से उसको ख़त्म भी कर देता, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और भाई लेवल 1 का हेलमेट था पर मैं कुछ भी नहीं उठा सकता था क्योंकि ओनली ड्रॉप चैलेंज था। तो गाइज अगर ये कन्वर्ट होता है बोया में तो आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना पड़ेगा, देखते जाओ कि मिलता है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे लगी थी ग्लू वॉल। अब भाई मेरे को पता था ये जो बंदा है ना ये भागेगा और भाग भी चुका था, पर लेकिन मैं कैसे मारता, अगर मेरे पे ग्रोजा होती तो शायद 1-2 डैमेज दे देता, पर लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इसको तो मैंने बहुत ही गंदा हेड मारा है, तो इसके लिए फिर से लाइक बनता है अगर लाइक नहीं किया हुआ आपने तो। और गाइस अब जोन आना स्टार्ट हो चुका था और एक बंदा मेरे जस्ट नीचे था, गाड़ी से आया था एक बंदा, तो ये रही उसकी जीप। बट भाई मिला ही नहीं, वो मुझे बाद में मिलेगा, पर लेकिन उसको कितना गंदा माला ग्रोजर से। अगर भाई कहीं तो गलती से ये घर जोन में होता ना तो शायद मैं और ज़्यादा बंदे को मार लेता क्योंकि नीचे से पूरा दिख जाता और मैं सब कुछ कर देता। अब देखो भाई पूरा जोन आ चुका था और मुझे भागना था, मेरे पे कुछ भी नहीं था बस ग्लू वाला आइस गन थी, बट एक बंदा मेरे जस्ट पीछे था भाई, क्या तो डैमेज दिया उसने। तो गाइस ये देखो वो बंदे को भाई जोन में आना था और मैं उसका वेट कर रहा था भाई आजा जोन में, और ब्रेक की कोशिश करी पर लेकिन मार दिया उसको कुछ भी करके कैसे भी करके। बट मैं इस साइड आया तो बंदे बच रहे थे 3 और दोनों जो 2 बंदे बच रहे थे ना जो अलग से वो दोनों उस साइड थे, ये जो क्या कहते हैं इसको जो भी कह लो आप समझ लो टावर, मैं समझ लो उसको मैं टावर कहता हूँ, जो भी बिल्डिंग टाइप है, अरे यार कुछ भी है छोड़ो। एक तो वो रहा और एक उसके बाजू में था पर लेकिन नीचे भी था सॉरी। तो अब इसको मैं तो कुछ डैमेज नहीं दे पाया और गोली देखो गाइस सिर्फ और सिर्फ ग्रोजा में 47 और ड्रैगन में सिर्फ 27। तो अब देखो वो बंदा तो जा था, जो बंदा था मैं क्या भूल गया, जो बंदा था ना वो नीचे आ चुका था, उसने मुझे डैमेज नहीं दे पाया और मैंने दिया पर लेकिन इतना नहीं दिया। फिर भी अब उसकी लड़ाई हो चुकी थी एक और बंदे से क्योंकि वो जो बंदा था ना वो एक नीचे था और एक मैंने जिससे फाइट ली थी। तो भाई बहुत गंदी वाली लड़ाई हो चुकी थी उनकी। अब भाई यहाँ पर मैं और ज़्यादा एडवांटेज था मेरे पे, मैं पहले ही चले जाता ना उस साइड तो मैं जल्दी गेम ख़त्म जाता, पर लेकिन मैंने टाइम वेस्ट करा भाई। अब हेल्थ देखो, गोलियाँ देखो, तो कैसे बचेंगे इससे, अब आप देखो। अब मुझे आफ्टर ऑल 1 साल बाद समझ में आया कि मैं उस जोन में थोड़ा सा डैमेज खा के चले जाता हूँ उस साइड क्योंकि वो है उसको पता नहीं होगा कुछ भी। तो गाइस बहुत ही गंदा वाला डैमेज हो गया था भाई, 18 ही हेल्थ बची थी और ओके। तो गाइस अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।